हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट टर्म ने स्टेट मैनेजमेंट जो हमारा सेकंड यूनिट है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फॉलोइंग जो प्लान स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शन थे वो देखे थे। फिर से एक बार हम थोड़ा रिपीट कर जाते हैं कि पांच क्लाइंट स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शंस होते हैं। एक तो व्यू स्टेट होता है जो बिल्ट इन होता है फॉर्म्स के अंदर, सिर्फ आपको उसकी प्रॉपर्टी अनेबल करनी होती है। दूसरा कंट्रोल स्टेट है क्लाइंट साइड मैनेजमेंट। तीसरा आएगा हिडन फील्ड, भी आप रख सकते हो। जैसे हम नॉर्मली टेक्स्ट बुक या फील्ड रखते हैं तो उसको टाइप इक्वल टू हिडन कर सकते हो आप। उसके बाद में आएगा कुकीज, जो नॉर्मली हम पीएचपी में कुकीज एंड सेशन मैनेजमेंट जो आप लोगों ने देखा था, उसी तरह से यहाँ पे जो कुकीज आप क्रिएट करके भी प्रीवियस स्टेट मैनेज कर सकते हो। और लास्ट में क्वेरी स्ट्रिंग, जो हम नॉर्मली कोई यूआरएल ब्राउजर में लिखते हैं तो वहाँ पे जो पैरामीटर पास करते हैं क्वेश्चन मार्क करके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द क्वेरी स्ट्रिंग हियर। तो पांच जो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स थे जो क्लाइंट साइड थे जो हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस की थी, यूनिट 2.2 में। अब बाकी का जो हो के दो मेजर स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक होती है। एक तो होता है क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट और दूसरा आएगा सर्वर बेस्ड स्टेट मैनेजमेंट या सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे आज के सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। तो ASP.NET ऑफर्स यू अ वैरायटी ऑफ वे ऑफ मेंटेन अ स्टेट मैनेजमेंट ऑन अ सर्वर रादर देन परसिस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द क्लाइंट। क्योंकि क्लाइंट की हमने एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन देखी थी या डिसएडवांटेज देखा था कि क्लाइंट का स्टेट मैनेजमेंट अगर ब्राउजर में अगर आपने कुकीज को बंद किया हुआ है तो कुकीज आप क्लाइंट साइड नहीं यूज कर सकते, या तो अगर आपने स्टेट मैनेजमेंट क्लाइंट साइड पे मैनेज किया हुआ है तो इट इज नॉट सेफ और सिक्योर, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स स्टोर्ड इन अ क्लाइंट कंप्यूटर पीसी। सो वहाँ पे कोई अगर आपकी रिस्ट्रिक्टेड या तो कोई सिक्योर इंफॉर्मेशन होगी तो आप क्लाइंट साइड पे स्टोर करोगे तो सेफ नहीं होगी। तो विद अ सर्वर बेस्ड स्टेट मैनेजमेंट यू कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड टू द क्लाइंट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व अ स्टेट एंड हाउएवर इट कैन बी अ कॉस्टली रिसोर्स ऑन द सर्वर। क्योंकि सर्वर साइड के कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सर्वर साइड स्टेट मैनेज अगर आप करते हो तो होता क्या है कि जब जब भी आप मान लो कि एक पेज में आपने डेटा एक्सेप्ट कराया नया एड्रेस सिटी फोन पिन कोड, तो वो अगर आप जैसे पोस्ट करते हो तो वो सर्वर साइड पोस्ट होंगे सभी डेटा, और बाद में अगर फिर से जब दोबारा पेज आपका लोड होगा टू एंटर अ सेकेंड रिकॉर्ड, तो जो स्टेट आपने सर्वर साइड रिकॉर्ड या तो स्टोर करके रखे हो सर्वर में से आपके फिर से क्लाइंट में ट्रांसफर होंगे, रिट्राई होंगे और बाद में आप वो यूज कर सकते हो। तो हर बार जब जब भी आप मल्टीपल डेटा या मल्टीपल रिकॉर्ड्स या तो प्रीवियस डेटा है अगर वो एक्सेस करोगे तो हर बार वो क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट विल मेक अ सर्वर अ स्लो हियर। अब सर्वर स्टेट की बात करें तो टू सर्वर बेस्ड स्टेट मैनेजमेंट फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। एक तो एप्लीकेशन स्टेट एंड सेशन स्टेट। क्योंकि सर्वर साइड आप दो तरह से स्टैट मैनेज कर सकते हो, आपके प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन थी उसे मैनेज कर सकते हो। एक होगी एप्लीकेशन स्टेट और दूसरा होगा सेशन स्टेट। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा अगर हम आगे देखेंगे। अब हम बात करें एप्लीकेशन स्टेट की, तो एप्लीकेशन स्टेट जो है के ASP.NET अलाउ यू टू सेव वैल्यू यूजिंग एप्लीकेशन स्टेट अ ग्लोबल स्टोरेज मैकेनिज्म दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल पेजेस इन द वेब एप्लीकेशन। क्योंकि एप्लीकेशन अगर स्टेट की बात करते हैं तो जैसे हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं कि पांच फॉर्म रखे, 10 फॉर्म रखे, तो 10 फॉर्म्स का जो आप प्रोजेक्ट जो हम जिसको बोलते हैं या बनाते हैं तो उसको पूरा एक एप्लीकेशन हम बोलेंगे यहाँ पे। तो उस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी आपने डेटा है, जितने फॉर्म रखे होंगे वो सभी के आप स्टेट मैनेज कर सकते हो इन एप्लीकेशन स्टेट। एप्लीकेशन स्टेट इज स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन की और वैल्यू डायरेक्टरी। क्योंकि वो अलग से सर्वर साइड में जो भी एप्लीकेशन है
उसके अंदर उसकी की और उसकी वैल्यू के साथ में अलग एप्लीकेशन स्टेट, सभी जितने भी एप्लीकेशन में आपने फॉर्म रखे हो सभी के स्टेट वहां पे मैनेज होंगे। वंस यू ऐड योर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू एप्लीकेशन स्टेट, द सर्वर मैनेज इट, यानी द सर्वर एक्सपोज टू द क्लाइंट हियर। क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन स्टेट एक बार मैनेज किए हुए तो वो सभी एप्लीकेशन में जितने फॉर्म है वो आप उसके सभी के डेटा मैनेज कर सकते हो। ASP.NET प्रोवाइड अ थ्री इवेंट दैट हैंडल यू टू इनिशियलाइज एप्लीकेशन वेरिएबल्स। अगर आपको एप्लीकेशन वेरिएबल या तो एप्लीकेशन स्टेट मैनेज करना है तो उसके लिए आप कैसे वेरिएबल कैसे कीज और इसकी वैल्यू स्टोर करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग से यहाँ पे हम तीन इवेंट उसकी जो दी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देयर इज अ थ्री रिसोर्सेज व्हेन द एप्लीकेशन शट डाउन हियर। और जैसे ही क्योंकि वो स्टैट जो होगा एप्लीकेशन का उसकी जो लाइफ साइकिल होगी ओनली टिल द एप्लीकेशन इज रनिंग। जब तक एप्लीकेशन चल रहा है तब तक वो स्टेट जो भी आपने मैनेज किया हुआ है वो सब होंगे उस रिसोर्स के साथ में। जैसे आपने पूरा एप्लीकेशन क्लोज कर दिया देन ऑटोमेटिकली द ऑल द स्टेट विल बी रिमूव फ्रॉम द मेमोरी हियर। अब यहाँ पे जो तीन इवेंट होगी कि जहां से हम एप्लीकेशन स्टेट मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे पहला आएगा एप्लीकेशन स्टार्ट के रेस व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट एंड दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू इनिशियलाइज द एप्लीकेशन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे आप जब भी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट जो उसकी इवेंट होती है वो फायर होती है और उसके अंदर आप जो भी आपकी एप्लीकेशन लेवल पे जो स्टैट मैनेज करने जो इंफॉर्मेशन मैनेज करनी वो आप कर सकते हो विद हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन वेरिएबल। एप्लीकेशन एंड जो दूसरी इवेंट आएगी रेस व्हेन द एप्लीकेशन शट डाउन। जब आप एप्लीकेशन बंद करते हो तो क्या करना है, जितने भी एप्लीकेशन के स्टेट आपने मैनेज रखे थे एप्लीकेशन वेरिएबल जो आपने जो ग्लोबल वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं वो अगर आपने क्रिएट करके रखे हुए तो वो आप वहाँ पे रिमूव कर दोगे, मेमोरी को फ्री करोगे या तो कोई रिसोर्स है तो उसको आप क्लोज कर दोगे। एंड तीसरी इवेंट आएगी एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर। इट इज व्हेन द अनहैंडल्ड एरर अकर्स एंड यूज दिस टू परफॉर्म अ एरर लॉगिन। तो कई बार ऐसा होगा कि आपके स्टेट के दौरान अगर कोई एरर आती है जो एप्लीकेशन मैनेज नहीं कर सकता तो वहाँ पे वो जो एरर्स पे हैंडलिंग के लिए आप एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर जो इवेंट है उसके अंदर आप एरर मैसेज मैनेज कर सकते हो। अच्छा आप भाई एप्लीकेशन स्टेट मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एप्लीकेशन उसके अंदर माई डेटा इज इक्वल टू हेलो। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आप जो डैश और वर्टिकल पाइप देख रहे हो एक्चुअली इट्स अ डबल कोट्स है तो यहाँ पे कन्वर्जन हो गया इसीलिए थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे माई डेटा है दैट इज इन डबल कोट्स में लिखना है आपको और हेलो इज ऑल्सो रिटन इन डबल कोट्स हियर, क्लियर। बट ड्यू टू द हियर कन्वर्जन ऑफ कैरेक्टर डैश एंड पाइप सेनारी, बट यहाँ पे आपको जो लिखना है तो एप्लीकेशन का एरे बनाओगे, माई डेटा उसका नाम रखोगे इज इक्वल टू हेलो उसकी वैल्यू सेट करोगे। एंड अगर आपको स्टेट रीड करना है तो जैसे नॉर्मली हम रीड करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में अगर उसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है एप्लीकेशन, तो दिस इज वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन वेरिएबल। जो नॉर्मल वेरिएबल होता है वो आप जो भी फॉर्म में है वहाँ पे डिफाइन करते हो उसी फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन वेरिएबल आप डिफाइन करोगे तो पूरे एप्लीकेशन में आप ग्लोबली कभी भी किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज वन काइंड ऑफ द ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट फॉर अ होल एप्लीकेशन। और अगर आपको स्टेट जो आपने डिफाइन किया उसे रिट्राइव करना है तो आप यहाँ पे वेरी इजीली टेक्स्ट बॉक्स 1.txt इज इक्वल टू के टेक्स्ट बॉक्स में मैं देखना है उसकी वैल्यू जो हमने स्टेट मैनेज किया था माई डेटा नाम का जिसमें हमने वैल्यू हेलो वैल्यू दी थी, तो रीड करने के लिए एप्लीकेशन और सिर्फ आप उस स्टेट का नाम दे दोगे स्क्वेयर ब्रैकेट में माई डेटा या जो भी है देन उस माई डेटा के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर की थी दैट वैल्यू रिट्राइव टू टेक्स्ट बॉक्स। और अगर आपको मेमोरी फ्री करनी है स्टैट को रिमूव करना है जो स्टैट वेरिएबल हमने डिफाइन किया था तो आपको यहाँ पे यूज करना है एप्लीकेशन डॉट रिमूव और जो स्टेट है अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना आपको राउंड ब्रैकेट में लिखना है डबल कोट्स में जो भी स्टेट आपने एप्लीकेशन जिस नाम से बनाया था उस एप्लीकेशन स्टेट का नाम यहाँ पे दे दोगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है माई डेटा तो माई डेटा जो एप्लीकेशन हमने वेरिएबल बनाया था दैट इज रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। तो दैट इज अ वेरी सिंपल वे यू कैन मैनेज योर होल एप्लीकेशन स्टेट
बट यहाँ पे अगर सिंपल हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टैट इज नथिंग बट यू कैन डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल, एप्लीकेशन लेवल वेरिएबल, कि उसकी मदद से आप पूरा स्टैट या प्रीवियस जो भी आपने वैल्यू स्टोर कराई है वो आप मैनेज कर सकते हो या पूरे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर ये फॉर्म में अगर आपने एक्सेप्ट कराते वैल्यू, वहां पे आप एप्लीकेशन स्टेट क्रिएट करते हो, वेरिएबल क्रिएट करते हो, अब दूसरे फॉर्म में उसको रिट्राइव करना तो आप कर सकते हो बिकॉज दिस वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो एप्लीकेशन स्टेट की बात करें तो इट्स अ सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। जैसे हमने देखा कि आपको सिर्फ वेरिएबल बनाना है, एप्लीकेशन स्टेट आर वेरी इजी टू यूज, फैमिलियर टू एएसपी डेवलपर एंड इट्स कंसिस्ट विद अदर डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लासेस। तो उसके लिए तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन क्लास और उसका वेरिएबल्स उसके अंदर आपको क्रिएट करना है। सो इट्स अ वेरी सिंपल वे यू कैन क्रिएट अ एप्लीकेशन वेरिएबल। एप्लीकेशन का स्कोप, कि बिकॉज एप्लीकेशन स्टेट इज एक्सेसिबल टू ऑल पेजेस इन द एप्लीकेशन, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन स्टेट कैन बी कीप ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको पहले पेज में नेम एक्सेप्ट करा हुआ है, नेम एड्रेस सिटी फोन पिन कोड, दूसरे पेज में अगर आप दूसरी कुछ वैल्यू स्टोर कराई है, तो वहाँ पे आपको सभी पेज पे या सभी फॉर्म पे आपको वो स्टेट अलग अलग से मैनेज नहीं करने। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन लेवल जो भी आपने स्टेट है वो सिर्फ मैनेज करके रख दोगे, एक ही जगह पे आप वहाँ पे क्रिएट करोगे वेरिएबल और वो वेरिएबल की वैल्यू आप पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब उसके डिसएडवांटेज की बात करें तो एप्लीकेशन स्कोप, स्कोप एप्लीकेशन स्टेट कैन बी ऑल्सो बी अ डिसएडवांटेज, क्योंकि वेरिएबल स्टोर इन एप्लीकेशन स्टेट्स आर ग्लोबल and only as a particular process the application running in a, each application process can have a different values। क्योंकि मान लो कई बार क्या होगा कि आपने पहले फॉर्म में भी नेम एड्रेस सिटी फोन इनकोड कराना है जो स्टूडेंट्स का है, दूसरे फॉर्म में स्टाफ के नेम एड्रेस सिटी फोन भी इनकोड कराना है, तो वहाँ पे फिर आपको एप्लीकेशन स्टेट में स्टूडेंट्स के नेम के लिए अलग वेरिएबल रखना पड़ेगा एंड स्टूडेंट्स अप्लाई के नेम के लिए अलग वेरिएबल रखना पड़ेगा। सो अगेन दिट इज द सेम प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे वरना फिर आपने एक ही नेम नाम का जो स्टेट बनाया, तो अगर स्टूडेंट्स की वैल्यू स्टूडेंट्स के फॉर्म में होगी तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का स्टेट मैनेज होगा, अगर एम्प्लॉय का अगर नेम हो तो वो भी एप्लीकेशन वेरिएबल जो आपने बनाया एप्लीकेशन नेम तो उसके अंदर स्टोर होगी। तो आप स्टूडेंट्स का स्टेट अलग रखना है, पेज का जो नेम एड्रेस सिटी फोन पिन कोड, एम्प्लॉय के नेम एड्रेस सिटी पिन कोड, उनका स्टेट अलग से मैनेज करना है, तो आप एप्लीकेशन स्टेट से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो आपको नेम एड्रेस सिटी फोन पिन कोड अगर रखे तो वेरिएबल तो ग्लोबल हो गए, अगर स्टूडेंट्स में आप यूज करोगे नेम एड्रेस सिटी पिन कोड तो स्टूडेंट के फॉर्म में यूज होंगे उसकी वैल्यूज, और अगर आप एम्प्लॉय के फॉर्म में यूज करोगे तो एम्प्लॉय के अंदर भी वही वैल्यू नेम एड्रेस सिटी फोन पिन कोड। सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक ऑफ द स्टेट हियर। लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द डेटा, because the global data stored in application state is volatile and it will be lost if the web server process containing or it is destroyed such as form server crash upgrade or shutdown। kyunki application server hai koi wo kahan pe manage hote hai, to server side manage hote hai, to ya to aapka maan lo ki agar aapka page crash hua ya server down hua to apne maan lo ki previous jo 10 state manage kiye the 10 log ki user information server side manage kiye the ड्यू टू सर्वर फेलियर, फिर से अगर नया फॉर्म या सर्वर रिस्टार्ट होगा तो स्टेट फिर से आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दैट स्टोर इन अ टेम्परेरी मेमोरी। क्योंकि जैसे हमने देखा था कि ऑटोमेटिकली जैसे आपका एप्लीकेशन क्लोज होता है या तो डिस्ट्रॉय होता है या तो क्रैश होता है, तो आपके सभी स्टेट वहाँ पे डिसअपीयर हो जाएंगे मेमोरी में से। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक। उसके बजाय अगर आपने क्वेरी कुकीज रखी होती या तो आप दूसरे क्लाइंट साइड मैनेज किए होते, तो हमने देखा कुकीज परमानेंटली स्टोर, जब तक आप उसको रिमूव नहीं करते तब तक वो क्लाइंट की हार्ड डिस्क में टेम्परेरी स्टोरेज एरिया में पड़ी होती है। तो यहाँ पे कंपेयर टू दैट दिस अ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा इन दिस एप्लीकेशन स्टैक। उसके बाद में एक रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कि एप्लीकेशन स्टैक रिक्वायर सर्वर मेमोरी विच कैन बी अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्वर एज वेल एज स्केलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। क्योंकि हर बार आप वहाँ पे रिक्वायर सर्वर जो भी होगा वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देगा, स्टेट रीड होंगे स्टेट राइट होंगे, तो इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड टेक्स अ सर्वर मेमोरी ऑल्सो, सर्वर स्पीड कैन गो स्लो हियर ड्यू टू दिस प्रोसेस हियर। सो दिस आर द ड्रॉबैक ऑफ द सर्वर साइट स्टेट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट। अब सर्वर साइट जो दूसरा स्टेट मैनेजमेंट आएगा सेशन स्टेट।
ASP.NET allows you to save value using a session state and a storage mechanism that is accessible from all pages requested by a single web server session here. It is similar to that, जैसे हम वहाँ पे PHP में भी sessions create करते थे, sessions and cookie, तो यहाँ पे भी आप session variable create कर सकते हो and session variable से आप server side sessions create करके आप वो state manage कर सकते हो. You can use a session state accomplish of the following task. जैसे यहाँ पे दिया कि uniquely identify the browser or client device request and map and then individually session instance on a server. ठीक है, आप यहाँ पे individual session variable session नाम से आप create कर सकते हो and this allows you to track which pages users saw on your site during the specific visit here. तो individual आप session जब जब भी नया पेज create होगा तो उसके अलग से session आप create करोगे और उसके सेशन वेरिएबल आप अलग से डिफाइन करोगे. सो इट्स अ वेरी इजी टू यूज हियर. स्टोर सेशन स्पेसिफिक डेटा ऑन अ सर्वर हियर, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होगा कि एक तो स्टूडेंट एक यूजर होता है आपका, एक ब्राउजर में ऐसे अगर कोई डेटा एक्सेप्ट करा है तो उसके सेशन अलग मैनेज होंगे. अब दूसरा ब्राउजर में से अगर कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट देगा तो उसके सेशन भी अलग क्रिएट होंगे, क्योंकि ब्राउजर्स ओरिएंटेड यहाँ पे आपके सभी डेटा स्टोर होते हैं. सेशन अलग अलग, जो जो नया यूजर जैसे अगर लॉग इन करता है तो उस यूजर्स के नाम से वो सेशन वेरिएबल स्टोर होंगे, या तो उस तरह से आप स्टोर करा सकते हो. सो दिस इज अगेन वेरी यूजफुल हियर एंड दिस इज परफेक्ट फॉर स्टोरिंग शॉपिंग कार्ट इंफॉर्मेशन. क्योंकि शॉपिंग कार्ट के अगर आप डेटा मैनेज करते हो तो एक यूजर ने लॉग इन किया आपके पेज में, तो उसने लॉग इन किया, उसने क्वान्टिटी 1 सिलेक्ट की, प्राइस उसकी 100 रुपीज थी और वो चेकआउट करा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दूसरा यूजर अगर 1 ही देगा तो उसकी जो सेशन है तो दूसरा यूजर जो लॉग इन करेगा तो उसकी सेशन अलग से मैनेज होनी चाहिए उसके यूजर्स नेम के अंदर. अगर वो 2 दे रहा है क्वांटिटी और प्राइस दे रहा है 200, तो उसकी 2 और 200 स्टोर होनी चाहिए. तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम अगर वो यूजर लॉग इन हो तो उसको क्वांटिटी प्रीवियसली 2 और 200 मिलनी चाहिए, नॉट 1 और 1 जो फर्स्ट यूजर ने दी थी. सो दिस इज अ स्पेसिफिक सेशन वाइज, स्पेसिफिक यूजर वाइज आप अलग अलग सेशन वाइज मैनेज कर सकते हो. दिस इज वेरी यूजफुल फॉर अ शॉपिंग कार्ट इंफॉर्मेशन एंड दिस ऑल हियर. रेज एप्रोप्रिएट सेशन मैनेजमेंट इवेंट इन एडिशन यू कैन राइट एप्लीकेशन कोड दैट लिवरेजिंग दिस इवेंट हियर. और यहाँ पे सेशन वाइज आप अलग अलग कोड या तो अलग अलग मैथड या अलग अलग इवेंट भी फायर कर सकते हो कि अगर ए यूजर लॉग इन करेगा तो उसको सेशन इतने एक्सेस होने चाहिए, अगर ए यूजर लॉग इन करेगा तो उसको इतने सेशन वेरिएबल जो हमने उसके सेशन में क्रिएट किए थे वही एक्सेस होने चाहिए. सो दैट इज अगेन अप्रोप्रिएट सेशन मैनेजमेंट ऑप्शन. अब सेशन वेरिएबल कैसे स्टोर करते हैं, तो एग्जाम्पल स्टोरिंग एंड रिट्राइंग वैल्यू फ्रॉम अ सेशन, कैसे सेशन क्रिएट करते हो, कैसे सेशन रिट्राइव करते हैं, तो ऑब्वियसली अगेन इट इज सिमिलर टू द पीएचपी, या जैसे आपने पीएचपी में सेशन एंड कुकी का कॉन्सेप्ट देखा था वही कंसेप्ट यहाँ पे होगा. तो आपको सिर्फ यूज करना है सेशन डबल कोट्स में, सेशन जिस नाम से वेरिएबल क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम लिखा हुआ है डबल कोट्स में इज इक्वल टू txt uname डॉट टेक्स्ट, मतलब कि जो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में देगा उसके नाम से सेशन क्रिएट होगा और उसी के नाम से वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होगा और उसी की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो. और अगर आपको रिट्राइव करनी है वैल्यू तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या तो डिस्प्ले करने की वो सेशन क्रिएट हुआ या नहीं. तो उसके लिए जैसे यहाँ पे मैंने दिया कि इफ सेशन डबल कोट्स में, यहाँ पे डबल कोट्स है जैसे पहले बताया डबल कोट्स में, यूजर नेम इज नॉट इज इक्वल टू नल, मतलब कि अगर सेशन वेरिएबल क्रिएटेड है, अगर कोई यूजर लॉग इन होता है तो ऑब्वियसली उसके टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाली होगी, टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालेगा उस नाम का वो सेशन क्रिएट हो जाएगा यूजर नेम नाम का. और यूजर नेम सेशन अगर क्रिएट होता है उसका मतलब कि यूजर नेम का सेशन क्रिएटेड है नॉट नल, मतलब कि उसमें कुछ वैल्यू आई है, उसका मतलब कि यूजर ने लॉग इन किया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाली थी उसका यूजर नेम, तो यहाँ पे LBL वेलकम डॉट टेक्स्ट, हमने वेलकम लेबल जो रखा हुआ है उसके लेबल्स में हम मैसेज दे देंगे वेलकम मैन जो सेशन जिस नाम से क्रिएट किया हुआ है और उसी के नाम से हम सेशन यहाँ पे पूरा मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज सिमिलर टू अ सेशन वेरिएबल जो नॉर्मली हम क्रिएट करते थे पीएचपी के अंदर, बट दिस इज अ मेन एडवांटेज कि दिस वेरिएबल डिफॉल्ट जो उसका स्कोप होता है दैट इज अप टू अ सेशन, जब तक उसको आपको रिमूव नहीं करते तो तब तक वो वहाँ पे सेशन वेरिएबल मेमोरीज में होता है. तो यहाँ पे उसको रिमूव करने के लिए भी हमने मेथड दिए सेशन डॉट रिमूव एंड बाद में जो वेरिएबल है सेशन का
जैसे हमने यहाँ पे यूजर नेम दिया था, यूजर नेम एनएम दिया तो एनएम, आप उसे मेमोरी में से रिमूव कर सकते हो। सो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक टू क्रिएट अ सेशन स्टेट मैनेजमेंट। अब उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होंगे तो वो भी हम जान लेते हैं। कि सेशन वेरिएबल सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, जैसे हमने देखा था कि आपको सिर्फ सेशन स्टेट फैसिलिटीज वेरी इजी टू यूज, फेमिलियर होते हैं एसपी डेवलपर या तो जो पीएचपी डेवलपर है जो सेशन कुकी यूज करते थे, उसी तरह से यहाँ पे आपको सेशन वेरिएबल क्रिएट करना है। दूसरी चीज जो उसका मेन एडवांटेज, सेशन स्पेसिफिक इवेंट आप मैनेज कर सकते हो, कि सेशन मैनेजमेंट इवेंट कैन रेज एंड यूज बाय एप्लीकेशन। तीसरा जो आएगा डेटा परसिस्टेंस, कि डेटा प्लेस इन स्टेट सेशन स्टेट वेरिएबल कैन बी प्रिजर्व थ्रू इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, क्योंकि वहां पे हमारा जो सेशन होता है जब तक आप रिमूव नहीं करते सेशन वेरिएबल को तब तक उसका जो हमारा सर्वर होता है या तो सर्वर साइड जो स्टेट होता है वो पूरा मैनेज होता है, या तो फिर रिस्टार्ट और वर्कर प्रोसेस स्टार्ट विदाउट लॉजिंग द सेशन एंड द डेटा बिकॉज ऑफ डेटा स्टोर इन अदर प्रोसेस स्पेस। एडिशनली सेशन स्टेट डेटा कैन बी परसिस्टेंट अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेस सच एज वेब फॉर्म, वेब अदर प्रोसेस, और सबके लिए आप वहां पे यूज कर सकते हो। तीसरा आएगा प्लेटफॉर्म स्केलेबिलिटी, कि सेशन स्टेट कैन बी यूज इन बोथ मल्टी कंप्यूटर्स मल्टी प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देयरफॉर ऑप्टिमाइजिंग स्केलेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे सेशन होंगे वो अगर 1000 यूजर लॉग इन होते हैं एक ही ब्राउजर में से मान लोगे तो जो जो यूजर लॉग इन होता है ब्राउजर एक ही होगा, पर उस ब्राउजर में उस 1000 लोगों के 1000 अलग अलग सेशन मैनेज होंगे विद हेल्प ऑफ दिस सेशन यूजर लॉग इन हियर। कुकीज लेस सपोर्ट, के सेशन स्टेट वर्क विद अ ब्राउजर दैट इज नॉट सपोर्टेड एचटीटीपी कुकी, तो यहाँ पे आपको कुकी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सेशन वेरिएबल्स के थ्रू आप स्टेट मैनेज कर सकते हो। एंड एक्सटेंसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, कि यू कैन कस्टमाइज एन एक्सटेंड सेशन स्टेट बाय राइटिंग योर ओन सेशन स्टेट प्रोवाइडर। सेशन स्टेट डेटा कैन बी स्टोर इन कस्टम डेटा फॉर्मेट इन अ वेराइटी ऑफ डेटा स्टोर मैकेनिज्म सच एज डेटाबेस एक्सएमएल फाइल और वेब सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे सेशंस के अंदर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बट डेटाबेस में से डेटा या तो पूरी एक्सएमएल फाइल और उसके वेरिएबल्स उसके सेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब डिसएडवांटेज की बात करें सेशन के, तो मेनली के परफॉर्म कंसिडरेशन सेशन स्टेट वेरिएबल स्टे इन मेमोरी अंटिल आइदर रिमूव और रिप्लेस हियर, जब तक हम उसे रिमूव नहीं करते रिप्लेस नहीं करते तब तक वो मेमोरी में होंगे। सो ऑब्वियसली अगर आपने रिमूव करना भूल गए तो अगर आपका एप्लीकेशन भी बंद हो जाता है फिर भी वो सेशन मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स एग्जिस्ट होंगे। से तो दैट इज अगेन ड्रॉबैक ऑफ द सेशन स्टेट हियर। अब एडवांटेज ऑफ क्लाइंट साइट स्टेट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, कि जो अगर आप क्लाइंट साइट स्टेट मैनेजमेंट करते हो तो उसका एडवांटेज हमने आगे भी देखा था कि बेटर स्केलेबिलिटी विद सर्वर साइट मैनेजमेंट। दूसरा मेन एडवांटेज था सपोर्ट मल्टीपल वेब सर्वर्स, क्या आप क्लाइंट साइड की अगर बात करें तो दो मेन एडवांटेज थे कि मल्टीपल वेब सर्वर्स मतलब कि क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट होता है तो क्लाइंट के अंदर स्टोर होता है, तो वहाँ पे अगर आपने एक के साथ ज़्यादा सर्वर से कनेक्टिविटी की है फिर भी आपके स्टेट तो क्लाइंट में मैनेज होगी, तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस ईयर। और सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट की अगर हम एडवांटेज देखें तो बेटर सिक्योरिटी, तो क्लाइंट में स्टेट मैनेजमेंट में जैसा हमने देखा था कि सिक्योरिटी लेस होती है क्योंकि क्लाइंट में क्लाइंट के पीसी का स्टेट मैनेज होता है तो दैट इज अ लेस सिक्योर कम्पेयर टू सर्वर ये। तो यहाँ पे अगर पासवर्ड हुआ या तो ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन के इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो तो दैट इज बेटर, यू कैन क्रिएट अ सर्वर साइज स्टेट मैनेजमेंट। एंड एडवांटेज हुआ रिड्यूस बैंडविड्थ, कीप यू आर स्टोरिंग A large amount of state managed information, then sending information back forth and client across the bandwidth utilization and paid lot time here. So यहाँ पे हमने दोनों देखे कि सर्वर साइड के जितने एडवांटेज है उतने डिसएडवांटेज भी है, जितनी जितनी बार आप सेशन या सॉरी सर्वर साइड स्टेट रीड करोगे उतनी बार वहाँ पे आपकी बैंडविड्थ या नेटवर्क आपका एक्सेस होगा। सो दिस ऑल आर द सेकेंड यूनिट के अंदर जो हमने देखा था मेजर चीजें, दो ही चीजें जो हमने देखी, एक तो स्टेट मैनेजमेंट के व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट क्या है, दूसरा दो तरह के स्टेट मैनेजमेंट होते हैं क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। क्लाइंट साइड में हमने 5 स्टेट मैनेजमेंट देखे थे और सर्वर साइड में 2 स्टेट मैनेजमेंट और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो दिस ऑल आर द मेजर पार्ट ऑफ द सेकंड यूनिट
दैट इज डेट मैनेजमेंट हियर। तो दैट इज टोटली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हियर, बट फिर भी हम यहाँ पे एक नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ यू कैन यूज द ओल्ड स्टैट मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इनटू सेकंड यूनिट 0.2 का बाकी क्वेश्चन है, एंड दैट विल कंप्लीट आफ्टर सेकंड यूनिट हियर।